नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी टाइम गॉसिप्स पर। आज हम बात करने वाले हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा शरीर के किस अंग से निकलती है। आपने भी कभी अपनी आंखों के सामने किसी मृत व्यक्ति या किसी की मृत्यु होते हुए अवश्य देखा होगा और वहां मौजूद लोगों को यह कहते हुए भी सुना होगा कि इसकी मृत्यु हो गई है। मगर क्या आपने कभी यह सोचा है कि जिस इंसान की मृत्यु हो जाती है उसकी जीवात्मा शरीर के किस ओर से बाहर निकलती है? अगर आप लोग इस सवाल का उत्तर नहीं जानते हैं तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे, जिसका उत्तर हमें हिंदू धर्म के 18 पुराणों में से एक गरुड़ पुराण में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मृत्यु के समय आत्मा शरीर के किस अंग से बाहर निकलती है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मृत्यु जीवन का एक परम सत्य है जो हर किसी को स्वीकार करना पड़ता है। जो व्यक्ति इस सच को स्वीकार कर लेते हैं वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। गरुड़ पुराण के 9वें अध्याय के अनुसार मनुष्य के मुख, दोनों नेत्र, नाक के दोनों छिद्र, दोनों कान, यह 7 द्वारों के छिद्र ऐसे बताए गए हैं जिनसे पुण्य आत्माओं के प्राण निकलते हैं। इसके अलावा अगर आपने ध्यान दिया हो तो मरते हुए व्यक्ति के सबसे पहले पैर ठंडे होते हैं, उसके बाद घुटने के नीचे का हिस्सा ठंडा पड़ता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे उस व्यक्ति का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगता है, मानो जैसे ऊर्जा सिमट रही हो। अंततः यह संपूर्ण चेतना सिमटी हुई एक चक्र पर आकर एकत्रित हो जाती है, जिस चक्र पर आप सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत करते हैं। जैसे कि ध्यान करने वाले मनुष्यों की ऊर्जा यानी कि उनके प्राण मुख्य रूप से ज्ञान चक्र से निकलती है, और इसके विपरीत जो लोग अपने पूरे जीवन में ध्यान से दूर रहते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन खान पान और सांसारिक सुख में जिया है, ऐसे मनुष्य के प्राण मणिपुर चक्र से निकलते हैं। वहीं ऐसे मनुष्य जिन्होंने अपने पूरे जीवन में केवल संभोग और काम वासना के बारे में सोचा है, ऐसे मनुष्य की प्राण ऊर्जा मूलाधार चक्र से होकर निकलती है। इसी के साथ जिस मनुष्य का जीवन ज्ञान और विकास को अर्जित करने में बीता हो, ऐसे मनुष्य की ऊर्जा गला चक्र और विशुद्ध चक्र से होकर निकलती है। ऐसे ही जो मनुष्य अपने अंतिम समय में अपने गुरु या इष्ट देव को याद करते हुए प्राण त्यागते हैं, उनकी आत्मा आँखों से निकलती है, और अंत में वह मनुष्य आते हैं जिनकी ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से होकर निकलती है। ऐसे मनुष्य को बहुत ही भाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि इस चक्र से होकर जिस मनुष्य के प्राण निकलते हैं वह सीधा मोक्ष को प्राप्त होता है, और फिर उस मनुष्य का किसी काल में ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु। गरुड़ पुराण में प्राण त्यागने के विषय में और भी कई बातों का उल्लेख मिलता है, जिसमें यह बताया गया है कि मनुष्य को प्राण त्यागने के समय अन्न व जल का त्याग कर देना चाहिए, और यदि वह विरक्त आसक्ति रहित द्विजन्मा हो तो उसे आतुर संन्यास लेना चाहिए। आतुर संन्यास से अभिप्राय है एक ऐसा संन्यास जो शारीरिक दुखों से छूटने के लिए जल्दी ग्रहण किया जाता है। प्राण को गले तक आने में जो मनुष्य मैंने संन्यास ले लिया ऐसा बोलता है, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है, और ऐसे मनुष्य का जन्म दोबारा इस पृथ्वी पर नहीं होता। जो मनुष्य मृत्यु के पहले कथित सभी कार्य कर लेता है, मृत्यु के समय ऐसे व्यक्ति के प्राण ऊपर के छिद्र से निकलते हैं। साथ ही योगियों के संदर्भ में गरुड़ पुराण में बताया गया है कि योगियों के प्राण तालुरंध्र से निकलते हैं। मानव शरीर 5 भूतों से मिलकर बना हुआ है, जो इस प्रकार है: धरती, अग्नि, आकाश, वायु, जल। मृत्यु के पश्चात ये पंच तत्व दाह संस्कार होने के बाद इन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं, और शरीर में उपस्थित आत्मा उस परमात्मा का अंश होता है। जो अपने क्रमों के अनुसार कुछ परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो वहीं कुछ अपने क्रमों के अनुसार जन्म मृत्यु के चक्र को पुनः प्राप्त हो जाते हैं। जो नए शरीर को धारण करने के लिए अपने क्रमों के अनुसार अलग अलग प्रकार की योनियों में जन्म लेते रहते हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना न भूलें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो देर किस बात की, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।